देखिए ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर दिया हुआ है कि 3 cot A = 4 है, तो चेक कीजिए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे आप देखिए ये cot A, 3 cot A = 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि cot A बराबर 4/3। आपको पता है कि cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं कि लेट, चाहे माना कि जो भी है, बिहार बोर्ड वाले लिखेंगे माना कि b बराबर आप क्या मानिएगा 4 के, और p बराबर क्या मानिएगा 3 के। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h निकालिएगा, तो h² बराबर होता है p² जो b², h² बराबर p के जगह पे क्या हो जाएगा 3k² + 4k² ये बराबर हो जाएगा 3k² हो जाएगा 9k² + 4k² हो जाएगा 16k², और इधर क्या हो जाएगा h², तो h² बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा जी 25k², तो h बराबर √25k². ठीक है, अब यहां से देखिए तो कि रूट के अंदर से 25 निकलेगा बाहर, तो क्या बन के आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि 25 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 लिख सकते हैं, 2 को 5 बदलेगा 5 बाहर आ जाएगा, और k² है तो k बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपको p पता चल गया, b पता चल गया, और h पता चल गया। इसका यूज करके इसको चेक करना है क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं है। आइए यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको LHS लिखेंगे, LHS बराबर 1 − tan²A / 1 + tan²A। यहाँ पे आइए इसको देखते हैं, 1 − tan A का वैल्यू क्या होता है, tan A का मान जो होता है जंक्शन किया हुआ है p/b, तो p के जगह पर क्या है 3k, ध्यान से देखिएगा, बटा में b के जगह पर क्या है 4k, इसका क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बाई 1 + tan² है, तो सेम ही चीज रहेगा ना 3k / 4k का होल स्क्वायर, यहाँ पे tan² सेम चीज है। देखिए भाई के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, इधर आपको हो क्या क्या, देखिए तो 1 − 3² = 9 और 4² = 16 बटा में 1 + 3² = 9 और 4² = 16। इधर देखिए, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखाएगा 16 − 9 / 16। अच्छा ये नहीं पता चल रहेगा कि कैसे लिखा रहा है, इसको भी देख लीजिए, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 16, 1 से 16 को भाग देंगे कितना बार में कटेगा 16 बार में, 16 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 16 + इस 16 से 16 को भाग देंगे 1 बार में कटेगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे 9 आएगा। यहाँ ये देखिए ये बट्टा का बट्टा है ना भाई, तो ये वाला 16 इस वाले 16 से कट जाएगा, बचा क्या ऊपर में 16 में से 9 गया 7 और नीचे में 16 में 9 जुड़ गया 25। ठीक है, ये LHS को सॉल्व किए तो कितना आ गया 25 आ गया। इस RHS को देखिए बराबर है ना, तो बराबर मान के चलिए कि ये बराबर जो है इस बराबर पे यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये LHS कहलाएगा, और बराबर के राइट में जो मेरा राइट हैंड साइड होगा वो RHS कहलाएगा। तो अब RHS को सॉल्व करते हैं, अगर RHS भी इतना आ गया तो कहेंगे कि ठीक है, और नहीं आया तो नहीं ठीक है। RHS बराबर cos²A − sin²A, cos A का वैल्यू क्या होता है b/h, b कितना है 4k, h कितना है भाई 5k, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है p/h, p कितना है 3k का होल, 3k बाई h कितना है 5k, आई साइन का होल स्क्वायर है इसलिए यहां भी होल स्क्वायर। आगे देखिए के से के गया 4² = 16, 5² = 25, 3² = 9, 5² = 25, देखिए 3² = 9, 5² = 25, एलसीएम 25 भाग देंगे 25 से, डिनोमिनेटर से इसको एलसीएम को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा 16 माइनस ये भी भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा 9, 16 में से 9 जाएगा 7, इधर कितना आ गया 25। तो देखिए तो
ईवी 25 7 बटा 25 आ गया, ईवी 7 बटा 25 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया।